हेलो दोस्तों, आज आपके घर फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर्स ड्राइव में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और नए जानदार शानदार ट्रैक्टर की रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि अभी नया लॉन्च हुआ है, जो कि है पावर हाउस के नाम से 5-स्टार ट्रैक्टर है ये, जो कि है पावर ट्रैक 047E16। जो कि पावर ट्रैक की सबसे मेन पतन होती है दोस्तों डीजल सेवर प्लस। तो दोस्तों, बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट लुक से। सामने से आपको यूरो की राइड करोगे आपको उसकी बैजिंग मिलेगी, नीचे आपको पावर हाउस की बैजिंग, इसका पावर का साइन है ये पावर हाउस का। साथ में छोटे छोटे दो एलोजन लैंप जो कि इसकी लुक को एनहांस करते हैं, बढ़िया बनाते हैं। नीचे आपको क्रोम की बैजिंग मिलेगी, इसके अंदर आप एक एस्कॉर्ट का साइन मिलेगा क्योंकि ट्रैक्टर है एस्कॉर्ट का पावर ट्रैक। सामने आपको बम्पर मिलेगा, ये बम्पर मिलेगा, और सामने आपको किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा। अगर ट्रैक्टर पर फंस जाते हैं और कुछ और हो जाता है, उसको अगर बाहर निकालने के लिए छोटा सा छोटा इंच मिलेगा आपको, और इसके अंदर आपको एक चैन मिलेगी ताकि गिर के कहीं गुम भी ना हो जाए। देख सकते हो ये चैन ये वाली। अब बात करते हैं इसके फ्रंट एक्सल की। दोस्तों, मजबूत और भारी फ्रंट एक्सल ट्रैक्टर की दी गई है। आप देख सकते हो कितने मजबूत फ्रंट एक्सल ट्रैक्टर की है। और लाइटें आपको छोटी लाइटें मिलेंगी जो कि यूरो मॉडल में आती है, थोड़ी छोटी लाइट कर रखी है इस ट्रैक्टर में। यूरो 50 में आती है, जो यूरो 50 में छोटी छोटी लाइटें हैं। यूरो 50 में दो ट्रैक्टर आते हैं, 52 HP वाला, 50 HP वाला। तो इसके देख सकते हैं आप, इसके मैं दिखाता हूँ आपको लाइट, देख सकते हो ये वाली जो, देखो बिल्कुल। अब बात करते हैं इसकी पावर स्टेयरिंग की। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलेगा, और फ्रंट टायर जो कि है 7/16 का फ्रंट टायर मिलेगा, जो कि है अपोलो का 63 टायर। अभी मोस्टली कंपनियां ट्रैक्टर में जो टायर देती हैं वो आपको अपोलो का ही टायर मिलेगा। और इसके अंदर आपको ऑयल वाला एयर क्लीनर मिलेगा, ऑयल बेस्ड, और सिंगल एक्ट क्या कहते हैं इसको, सिंगल पीस बोनट ट्रैक्टर मिलेगा। यहाँ से इसका खुलेगा, और इसको खोलने बोनट को खोलने के लिए आपको पहले उतारना पड़ेगा। और अंदर चलते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलेगा, दिखा सकता हूँ आपको, और मजबूत सिलेंडर मोटर सिलेंडर दिया गया इसका। और दोस्तों, फ्रंट एक्सल बिल्कुल सीधी है, पर नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है। और साइड में आपको लोहे का टूल बॉक्स मिलेगा, और जो फार्म ट्रैक में शिकायत होती है फ्लैट प्लेटफॉर्म की, तो लगभग इसमें भी दूर कर रखी है वो, इसमें ज़्यादा इतना ऊँचा प्लेटफॉर्म है नहीं, बिल्कुल रीच में सारा खुदा इसके अंदर दिया गया है। तो रियर टायर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा 14/28 का रियर टायर। अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप 16/28 का भी रियर टायर ले सकते हो। बात करते हैं इसके यहाँ पे बैजिंग की। अपनी पावर हाउस की बैजिंग दिखा दी, 5-स्टार के साथ ही बैजिंग दे दी, और रेड कलर में दिया ये डीजल सेवर प्लस की बैजिंग, जो कि इसको लुक का एनहांस करता है। पहले ये शायद ब्लू कलर से आता था, ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ पर आपको यूरो 47 की बैजिंग मिलेगी, 50 HP का ट्रैक्टर है, और यहाँ पर पावर ट्रैक जो बैजिंग है ये यूरो मॉडल है, बोस का इनलाइन पंप है, और ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर आपको दिया गया है। ये डीजल फिल्टर यहाँ पे दिया गया है, ये अगर आप ट्रैक्टर का यूज़ में नहीं है तो यहाँ से इसका फ्यूल ऑफ कर दे तो इस साइड घुमाओगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और ऊपर कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये आपको फ्री टाइम में ट्रैक्टर जैसे ऑफ सीजन में ट्रैक्टर खड़ा करना होता है, जिसको बंद कर दो ताकि ट्रैक्टर के अंदर डीजल जाम ना हो, केवल ठंड के कारण जम जाता है डीजल, तो उसके अपनी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। और मैंने से बताया ही है, इसके अंदर आपको बोस का इनलाइन पंप दिया गया है। आपको मैं पीछे कैसा और दिखा, एडजस्टेबल इसका एच दिया गया है, और इसके अंदर 3 होल दिए गए ताकि जिसके अंदर टॉप लिंक आप कनेक्ट कर सको। ट्रॉली उठाने के लिए आपको अलग से लीवर दिया गया है, और डबल एक्टिंग इसके अंदर डबल QRS के अंदर दिया गया है ताकि कंप्यूटर गोड़ी वगैरह ट्रैक्टर का चला सको। और पीछे आपको ये लाइट मिलेगी, एलोजन लाइट है, इसके अंदर सिंपल लाइटें दी गई है वाली भी, एडजस्टेबल सीट है दोस्तों इसकी। यहाँ पे आपको पीछे थ्रेसर वगैरह में ट्रॉली वगैरह में कुछ इंप्लीमेंट के अंदर लाइट का कनेक्शन चाहिए हो तो आप यहाँ से इसका लाइट का कनेक्शन आप यहाँ से ले सकते हो। पीछे आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, बोटल होल्डर मिलेगा, और मस्त गद्देदार सीट मिलेगी इसकी। और यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 2021 अक्टूबर, और इसकी जो मैक्स पीटीयू पावर है वो किलोवाट में दी गई यहाँ पे, जो कि 34 किलोवाट है। यूरो 47 E16 की इसके अंदर बैजिंग मिलेगी, और आपके यहाँ 5000 घंटे की आपको इसकी वारंटी मिलती है। और इसकी कंडीशन आपको जो ट्रैक्टर लोग आपको बता देंगे यहाँ पर, इसके ट्रैक्टर की देखभाल के लिए आपको दिया गया, बताया गया क्या क्या करना है ट्रैक्टर जब खड़ा हो, ऑफ सीजन में क्या कैसे खड़ा करना है, कितने टाइम सर्विस करानी है। पहले सर्विस इसके 50 घंटे पे, बाद में शायद इसकी 300 घंटे पर सर्विस होती है, इसकी हर 300 घंटे बाद सर्विस होगी। अब मैं इसके ऊपर चढ़ कर दिखाता हूँ। इस साइड से बात करें तो साइड में आपको साइलेंसर मिलेगा, अल्टरनेटर आपको थोड़ा बाहर दिया गया है, कंपनी चाहती थी कवर कर सकती थी, इसके में थोड़ा ड्रॉबैक पॉइंट लगा,
कवर कर देती ताकि धूप पानी वगैरह जाने से उसको बचा रहता। अब ऊपर चढ़ के देखते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ डंडा दे देती कंपनी, एक मेरे को ड्रॉबैक है डंडा नहीं दे रखा इसके अंदर, बाकी तो ठीक है। इसके अंदर आपको मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ मिलेगा, पीटीओ का यहाँ से जाएगा। इसके अंदर आपको ड्यूल क्लच है, ये सीट एडजस्ट करने के लिए यहाँ से आप इसको खींचोगे तो इसके बाद सीट एडजस्ट हो जाएगी। ये इसका लिफ्ट लॉक है, अगर आप लिफ्टों का यूज़ नहीं है कहीं दूर जाना है तो इसको लिफ्ट उठा के इसको आप लॉक कर दो तो आपकी लिफ्ट कंट्रोल हो जाएगी, लिफ्ट लॉक हो जाएगी। बात करते हैं इसके गियर की, इसका कुछ आपको दोस्तों जो ये वाला लीवर दिया गया है ये तो बिल्कुल रीच में है किसान की, बिल्कुल बहुत बहुत रीच में है और सही है यूज में भी सही। इसका ये रिवर्स फर्स्ट गियर इसके सॉफ्ट ही है और बट जो ये वाला लीवर है दोस्तों बहुत नीचे है, किसान को बहुत आगे झुकना पड़ेगा। इसको थोड़ा एक कंपनी वाले बड़ा कर सकते थे और इसके अंदर आपको जो इंडिया सेंसेस नंबर वन लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी इसके अंदर, ये इसका कुछ ऐसा मीटर मिलेगा और इसके अंदर आपको केयर बटन मिलेगा 24/7। अगर आप खेत में मान लो काम कर रहे हो, ट्रैक्टर में कुछ खराबी आ जाती है तो आप इसके अंदर इसके यहाँ पे इसके बटन है वो बटन दबा दो और इससे आपकी कंपनी वाले से बात हो जाएगी, जो भी सोल्यूशन होगा आपको बता देंगे। और ये इसकी लिफ्ट कैपेसिटी लिफ्ट यहाँ से दी गई है, ये भी इसकी बिल्कुल ये तो रीच में ही है किसान की, ज़्यादा दुखी नहीं हुआ नहीं पड़ेगा। पैर वाले रेस बिल्कुल रीच में है और बट जो ये चीज़ थी ना दोस्तों मुझे ये थोड़ा वो लग रहा अजीब लग रहा है कि बहुत नीचे है मेरा हाथ, मैं आराम से कमर लगा के बैठता हूँ तो हाथ नहीं पहुँच रहा इसके ऊपर, आगे झुकना पड़ेगा। बट इसके उधर इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, वो यूज़ किसान को चलाने के टाइम लोहा करना पड़ता है, बाकी यूज़ तो इसका होता है। फिर भी अगर कंपनी चाहती तो इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ पर कर देती तो जितना इसका साइज़ है सेम ऐसा कर देती तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो ऊपर बैठने के लिए अड़ेगा भी नहीं पूरा, कई बार क्या होता है कई कंपनी में जैसे सोनालिका वगैरह में यहाँ पर आता है तो किसान ऊपर बैठता है जैसे बोनेट के ऊपर तो उसके अड़ता है पैर के अंदर दुखी करता है, बट इसके अंदर यहाँ पर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइड वैसे कुछ खास आपको दिक्कत आएगी नहीं। स्टेयरिंग के अंदर आपको ये ऊपर पकड़ने के लिए दिया गया है, छोटा स्टेयरिंग है बिल्कुल, और 39 या 46 लीटर के आपको इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक मिलेगी। ये इसका फ्यूल गेज, आरपीएम मीटर, टेम्परेचर गेज, कितने घंटे ट्रैक्टर चल गया, ये इसका आपको डिजिटल मिलेगा, बाकी आपको एनालॉग मिलेगा। ये इसकी गियर पोजीशन यहाँ पर रिवर्स फ्रंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पर मिलेगा, थर्ड यहाँ पर है। और ये इसकी गियर वन में स्पीड दे रखी 180, गियर टू में 270, थ्री में 401 और चार में इसकी गियर फोर में 640, रिवर्स में इसकी जो चक्कर मिलेंगे आपको 236 और जो डायरेक्ट 540 चक्कर आपको चाहिए वो आपको 1800 इसके आपको मिलेंगे। ट्रैक्टर की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 35.5 किलोमीटर आपको मिलेगी, जो कि ट्रैक्टर के 2500 RPM में आपको मिलेगी, 2500 RPM पे आपको उसकी मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। उसके लिए सारा सिस्टम बता रखा है कितना क्या कैसे चलाना है, रोटावेटर में कितनी क्या स्पीड मिलेगी आपको ये आप किसान को देखना पड़ेगा। ये साइड मिरर मिलेगा आपको। इसके अंदर मैं इंजन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो 2761 CC का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा, जो कि अपने मैक्सिमम पावर 2200 RPM पे प्रोड्यूस करेगा। और इसके अंदर जो ब्रेक्स दिए गए हैं वो आपको ऑयल इंजन ब्रेक मिलेंगे। ट्रैक्टर का टोटल वेट की बात करें तो इसके अंदर आपको 170 kg का ट्रैक्टर का टोटल वेट मिलेगा। और उससे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ट्रैक्टर के अंदर आपको 425 mm का इसके अंदर मैक्सिमम जो ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड करेगा, 425 mm इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। दोस्तों अब मेरी बात आती है इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, तो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है वो 2000 kg है, मतलब 2 क्विंटल इसकी आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी, जो कि अच्छी खासी है इस सेगमेंट में। अब नॉर्मल कंपनियां इस सेगमेंट में इतनी देर में लगी, बाकी पहले तो 1600-1400 ऐसी कुछ आती थी, बट आज के टाइम में कंपनियां ज़्यादा देर दे रही हैं आपको 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के अंदर को मिलेगी। इनकी जो दोस्तों जो प्रोमो लाइन है आप ये देख सकते हो, ये दिल मांगे एक्स्ट्रा हर बूंद में मिला ज़्यादा ताकत पावर हाउस के नाम से, 2 मॉडल लाइन के यूरो 55, यूरो 447 और एक यूरो 47, ये इसके पावर हाउस के नए मॉडल आए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।